सो फार वी हैव डिस्कस्ड एरे इन डाटा स्ट्रक्चर, हमने एरे किया है अभी तक. सो नेक्स्ट डाटा स्ट्रक्चर इज स्टैक. स्टैक क्या है? स्टैक इज ए डाटा स्ट्रक्चर विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट. इसको ध्यान से समझना. लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या होता है? कि जो सबसे लास्ट में आएगा. देखो इन का मतलब क्या है? इंसर्शन, इंसर्ट करना. आउट का मतलब क्या है? प्रिंट करवाना या उसको रिमूव करना. तो जो एलिमेंट लास्ट में आएगा वो सबसे पहले जाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट. एग्जांपल के साथ ये क्लियर होगा. सपोज करो आपके पास पांच बुक्स हैं, एक बुक को आप एलिमेंट मान के चल पड़ो. पहले आपने सबसे पहले एक बुक रखी, फिर उसके सपोज दिस इज फर्स्ट बुक, इसके ऊपर आपने सेकंड बुक रखी, फिर थर्ड बुक रखी, फिर फोर्थ बुक रखी. ठीक है. सो अगर मैंने रिमूव करनी हो बुक्स, तो जो सबसे लास्ट में आई है वही सबसे पहले रिमूव होगी. ठीक है. सपोज करो आपके पास प्लेट्स हैं. ठीक है. ये देखो एग्जांपल, स्टैक ऑफ प्लेट्स, 10 प्लेट्स हैं. सबसे नीचे वाली प्लेट, सबसे पहली प्लेट आपने रख दी, फिर उसके बाद दूसरी प्लेट रखी, फिर तीसरी प्लेट रखी, फिर सो ऑन. लेकिन सबसे पहले अगर प्लेट रिमूव करनी होगी तो कौन सी रिमूव करोगे? जो टॉप पे है. ऐसे ही करोगे. ये थोड़ा कि कोई सबसे नीचे वाली आप प्लेट निकाल दोगे, सबसे नीचे वाली निकालोगे तो सारी गिर जाएंगी, है ना. तो कहने का मतलब जो लास्ट में आया वो सबसे पहले जाएगा, वो सबसे पहले आउट होगा. ठीक है ना. स्टैक ऑफ प्लेट्स प्लेट की एग्जांपल होगी, स्टैक ऑफ बुक्स बुक्स की एग्जांपल होगी, कि बुक्स आपने एक एक करके ऊपर रखी है, तो सबसे पहले कौन सी रिमूव होगी? जो सबसे टॉप पे. सो कहने का मतलब सपोज दिस इज स्टैक, ये एक स्टैक है. ठीक है. एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले आपके पास नंबर 5 आया, आपने इंसर्ट कर दिया. नंबर 7 आया, इंसर्ट कर दिया. नंबर 3 आया, इंसर्ट कर दिया. अब रिमूव करोगे तो सबसे पहले किसने रिमूव होना है? नंबर 3 ने. चाहे आप इंसर्ट कर रहे हो, अब सपोज करो नंबर आप 3 रिमूव नहीं किया, आपके पास नंबर 4 आया, आपने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया. चाहे आप इंसर्ट कर रहे हो चाहे आप रिमूव कर रहे हो, वो एक ही एंड पे हो रहा है ना. कुछ भी है, ये स्टैक है. चाहे आप एलिमेंट इसमें डाल रहे हो नया, चाहे आप एलिमेंट रिमूव कर रहे हो, वो एक ही एंड पे हो रहा है. उसको हम क्या बोलते हैं? टॉप ऑफ द स्टैक. सो स्टैक की डेफिनेशन क्या होगी? पहले तो हो गया कि स्टैक एक डाटा स्ट्रक्चर है जो लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे काम करता है. ठीक है. और दूसरी एग्जांपल क्या है? जिसमें इंसर्शन और डिलीशन, चाहे इंसर्ट करना है चाहे डिलीट करना है, वो एक ही एंड पे होगी. मतलब एक ही एंड. ये नहीं है कि ये स्टैक है तो इंसर्ट आप ऊपर ऊपर कर रहे हो और रिमूव नीचे से हो रहा है, ऐसे कुछ नहीं है. ये गलत है, ऐसा नहीं है. मतलब इंसर्शन भी और डिलीशन भी कहाँ पर हो रही है? टॉप पे. उसको बोलते हैं स्टैक. सो स्टैक इज ए लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स जिसमें इंसर्शन और डिलीशन एक ही एंड पे होती है, जिसको हम बोलते हैं टॉप ऑफ द स्टैक. सो बेसिक ऑपरेशन कौन से हुए फिर? अब मैंने क्या बोला? इंसर्शन या डिलीशन, इंसर्शन या रिमूवल. डिलीशन को क्या बोला आपने? रिमूव करना. तो इनको स्टैक की टर्मिनोलॉजी में ऑपरेशंस के नाम क्या हैं? पुश, पॉप. पेपर में क्वेश्चन क्या आ सकता है? एक्सप्लेन स्टैक विद इट्स ऑपरेशंस. तो पुश का मतलब क्या है? आपने एलिमेंट इंसर्ट किया.
ठीक है ना, मैंने यही बोला स्टैक में क्या है, जहाँ इंसर्ट करना है जहाँ डिलीट करना है। तो इंसर्ट करना है जब, तो उसको हमने क्या बोलना है, उसको हमने बोलना है पुश। और जब एलिमेंट रिमूव करना है उसको हमने क्या बोलना है पॉप। सो पुश ऑपरेशन क्या है, पुश ऑपरेशन मीन्स टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन द स्टैक, पॉप ऑपरेशन मीन्स टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। सिंपल, चाहे इंसर्ट करना है चाहे रिमूव करना है, होगा कहाँ पे, टॉप ऑफ द स्टैक पे होगा। सो तीन चीज़ें, टॉप ऑफ द स्टैक जहाँ पे इंसर्शन और डिलीशन होगी, इंसर्ट एलिमेंट करना है उसको बोलते हैं पुश ऑपरेशन, रिमूव एलिमेंट करना है उसको बोलते हैं पॉप ऑपरेशन। एग्जाम्पल के साथ आपको ये क्लियर होगा। ये टी ओ एस मैंने सपोज किया, मैंने बोला ना टॉप, तो टी ओ एस का मतलब है सपोज करो टॉप ऑफ द स्टैक, टॉप ऑफ द स्टैक। अब देखो जैसे एरे की इंडेक्सिंग जीरो से थी, जीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स, टू इंडेक्स, है ना, ऐसे ही सिमिलरली हमने स्टैक की इंडेक्सिंग जीरो से शुरू कर दी। जब एलिमेंट 20 पुश किया, टॉप ऑफ द स्टैक क्या हो गया, जीरो। ये इंडेक्सिंग जीरो वन टू ऐसे बढ़ेगी ऊपर को। अभी एलिमेंट कौन सा है, अभी 20 है। जब मैंने 20 स्टैक में पुश कर दिया तो टॉप ऑफ द स्टैक क्या हो गया, जीरो। टॉप ऑफ द स्टैक जीरो, बच्चे कन्फ्यूजन नहीं रखनी, कई बच्चे बोलते हैं टॉप ऑफ द स्टैक जीरो है तो स्टैक एम्प्टी है, नहीं। एरे का इंडेक्स जीरो से शुरू होता है, स्टैक का इंडेक्स जीरो से शुरू होगा। तो टॉप ऑफ द स्टैक जीरो इंडेक्स का मतलब स्टैक में एक एलिमेंट है। जब मैंने 20 पुश किया तो टॉप ऑफ द स्टैक क्या हो गया, जीरो। चलो अब बात करते हैं, अब मैंने 20 के बाद 17 पुश किया, पुश का मतलब इंसर्ट किया। अभी देखो इस डायग्राम से इस डायग्राम पे मैं आ गया, पहले अकेला 20 था, टॉप ऑफ द स्टैक क्या था, जीरो है। अब मैंने 17 इंसर्ट किया तो 17 कहाँ पे आना था, ये था ना, ये 20 था, है ना, तो 20 के बाद ये 20 है, दिस इज 20, तो 17 यहाँ पे आना है। तो 17 जब इंसर्ट करेंगे तो टॉप ऑफ द स्टैक बढ़ेगा ना, पहले टॉप ऑफ द स्टैक ये था, तो अब टॉप ऑफ द स्टैक क्या हो गया, दिस वन हो गया। तो टॉप ऑफ द स्टैक क्या हो गया, वन हो गया, ठीक है। और देखते हैं अब इसमें चलते हैं, अब इस चीज़ को ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है, दो नंबर का क्वेश्चन आ सकता है या वाइबा में भी। स्टैक कहता है एम्प्टी कब होगा, स्टैक एम्प्टी तब होगा जब टॉप ऑफ द स्टैक क्या होगा, माइनस वन, है ना। और स्टैक फुल क्या कब होगा, जब टॉप ऑफ द स्टैक क्या होगा, मैक्स माइनस वन। अब इस चीज़ को समझते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने बोला टॉप, चलो ये देखो टॉप ऑफ द स्टैक जीरो है, तो जीरो का मतलब व्हेन टॉप ऑफ स्टैक इज जीरो, इसका मतलब है स्टैक में एक एलिमेंट है, है ना। अब स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब एम्प्टी है, दिस इज एम्प्टी स्टैक, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इसका टॉप ऑफ स्टैक अभी इंडेक्सिंग उसकी शुरू नहीं हुई, इसका मतलब टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, माइनस वन। सो स्टैक कब एम्प्टी होगा, जब टॉप ऑफ द स्टैक क्या होगा, माइनस वन। तो अब सपोज करो ये एम्प्टी स्टैक है, मैंने बोल ये दिस इज द स्टैक, ये एम्प्टी है ना, मैंने कहा 5 इंसर्ट करो, तो जब आपने 5 इंसर्ट किया तो 5 यहाँ पे इंसर्ट होगा, तब टॉप ऑफ द स्टैक माइनस वन नहीं रहेगा, तब टॉप ऑफ स्टैक क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि जीरो इंडेक्स से शुरू होता है। तो स्टैक एम्प्टी कब है, जब टॉप ऑफ स्टैक क्या है, माइनस वन। जब टॉप ऑफ स्टैक जीरो है तब स्टैक में एक एलिमेंट है, जब टॉप ऑफ स्टैक मैक्स माइनस वन है तो स्टैक फुल है। अब इसको समझते हैं, मैक्स क्या है, मैक्स है स्टैक की लिमिट, मैक्स क्या है, स्टैक की लिमिट। इस केस में देखते हैं, सपोज करो आप स्टैक को इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो स्टैक में मैक्सिमम 4 ही एलिमेंट आ सकते हैं, है ना। सो जीरो, वन, टू, थ्री, और मैंने क्या बोला, मैक्सिमम कितने एलिमेंट आ सकते हैं, 4, है ना। अब इस चीज़ को समझो, मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, 4, 4।
अब स्टैक में आपने एलिमेंट इंसर्ट किए, यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, 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 तो टॉप ऑफ स्टैक यहाँ पे कितना है? 3। अब मैंने नया एलिमेंट इंसर्ट करना हो तो नहीं कर सकता, क्यों क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि स्टैक की लिमिट कितनी है? 4। 4 एलिमेंट इंसर्ट हो गए ना, 1 2 3 4, तो मैक्सिमम कितना है? 4। मैक्सिमम 4 है और यहाँ पे क्या है? 3। इसका मतलब ये किसके इक्वल हो गया? ये हो गया मैक्स माइनस 1 के इक्वल। सो स्टैक फुल कब होगा? जब आपका टॉप ऑफ स्टैक जो है वो किसके इक्वल आएगा? मैक्स माइनस 1 के इक्वल आएगा, देन स्टैक इज फुल। इन दो चीजों को बच्चे याद रखना है, ठीक है। स्टैक एम्प्टी कब होगा? जब टॉप ऑफ स्टैक माइनस 1 है। स्टैक फुल कब होगा? जब टॉप ऑफ स्टैक मैक्स माइनस 1 के इक्वल है। चलो अब इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। अब क्या किया था, 17 पुश कर लिया तो ये बन गया था स्टैक। अब इसके बाद मैंने 12 पुश किया, तो 12 पुश किया तो इस केस में देखो, इस केस में टॉप ऑफ स्टैक 1 था। अब मैंने 12 पुश करना है तो टॉप ऑफ स्टैक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। और मैंने 12 को पुश कर दिया, ठीक है, समझ आ रही है। अब और देखते हैं, 12 पुश कर दिया, अब मैंने 15 पुश किया, है ना। पिछला डायग्राम देखो, ये था। अब 15 पुश करेंगे तो टॉप ऑफ स्टैक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना। और 15 यहाँ पे आपका पुश हो जाएगा, तो यही तो किया, टॉप ऑफ स्टैक 3 हो गया। मैंने क्या पुश कर दिया? 15। अब और समझते, अब रिवर्स समझते। अब मैंने पॉप किया, तो जब मैंने पॉप किया तो पॉप कौन सा होगा? पॉप ये वाला एलिमेंट होगा। पॉप का मतलब है रिमूव करना, तो अब मतलब ये वाला एलिमेंट रिमूव हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट रिमूव हो जाएगा स्टैक से। अब इसका मतलब टॉप कितना हो जाएगा? 2। इसका मतलब टॉप कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। तो 15 क्या हो गया? पॉप हो गया। तो 2 टॉप कितना हो गया? टॉप ऑफ स्टैक हो गया 2, 15 क्या हो गया? पॉप हो गया। तो समझने का मतलब क्या है, जब भी एलिमेंट पुश करना है तो टॉप बढ़ेगा, टॉप एक इंक्रीमेंट होगा, और जब एलिमेंट रिमूव करना है तो टॉप डिक्रीमेंट होगा। फिर से समझते हैं। अब मैंने फिर से पॉप किया, फिर से पॉप किया, पॉप किया तो क्या हुआ? अब ये 12 एलिमेंट रिमूव हो गया, तो 12 रिमूव हुआ तो अब क्या हो गया? टॉप आपका कितना रह गया? 1 रह गया। फिर से पुश कर लो, पुश 20 किया तो 17 के बाद फिर से 20 पुश हो गया, तो टॉप कितना हो गया आपका? 2 हो गया। तो ये मैं एग्जांपल और भी एक्सप्लेन करूँगा कल, जब पुश और पॉप हम डिटेल में करेंगे। आज के लिए इतना ही, बस एक चीज़ याद रखनी है, पुश करते टाइम टॉप इंक्रीमेंट होगा, पॉप करते टाइम टॉप डिक्रीमेंट होगा। सो थैंक यू।